हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोगों को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। और क्योंकि चांद रात स्टार्ट हो चुकी है तो मैं जो हूँ अपनी चांद रात जो है खीर बना के स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि खीर बनाने पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो हम रेडीमेड वाली जल्दी वाली खीर नहीं बनाते हैं, सो आई थिंक काफ़ी टाइम होगा। तो फिर उसके बाद हम अपनी चांद रात कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसको आपके साथ शेयर करते हैं। सो Let's get started. Assalamualaikum friends, चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं आज का व्लॉग जो है चांद रात से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चांद रात को खीर बना रही हूँ सुबह के लिए, ईद के लिए जानी के। तो मैं दो जगह पर खीर बना रही हूँ, एक जगह पर मैं खुले दूध की खीर बना रही हूँ और एक जगह पर मैं डब्बे की दूध की खीर बना रही हूँ। सो सबसे पहले जो है मैंने ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं साफ़ कर लेने हैं और इनको भगोकर मैं रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए, उनको काटने में आसानी हो। तो ये देखिए, मैंने तीन मंजिला ये जो बनाई है बिल्डिंग, इसके अंदर जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स पकवाए हैं, पहले बादाम, फिर छुआरे को अच्छे से वॉश करके, और ये फिर खोपरा, और इनको वापस से सेट कर देते हैं। लीजिए, उसके बाद ये मैंने किशमिश रखी है, इसको मैं अलग से साफ़ करूँगी पहले। ये देखिए, इसमें बहुत सारी डंडियाँ होती है, बहुत सारा कचरा होता है। किशमिश जो है आई थिंक सबसे ज़्यादा गंदी होती है, तो इसको मैं कमरे में लेके जाती हूँ, इसको साफ़ करके लेके आती हूँ। तो अभी ये देखिए मैंने चुन लिया और इसमें से कितना सारा कचरा निकला है, अब इसको भगो के रख दूँगी। और ये देखिए आयशा बेचारी मेहंदी के लिए वेट करते करते सो गई, और अब उसको मैं मेहंदी लगाती हूँ खीर बनाने के साथ साथ। एक हाथ की मेहंदी डन हो गई और एक जो है मैं उसको सुबह लगा दूंगी। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरी दोनों खीर जो मैंने बनाई थी दोनों ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं, और अब इसमें दोनों में जो है ड्राई फ्रूट्स अलग अलग मैं ऐड कर दूंगी। और फिर जो है मैं सुबह नाश्ते के लिए थोड़ा सा सालन बनाना चाह रही हूँ, तो फिर उसके लिए बस ये मैंने प्याज रखी है, थोड़ा सा चिकन बनाती हूँ और फिर बस सो जाऊँगी इसके बाद। तो मैं ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद खीर बन के रेडी हो चुकी है। आयशा को मेहंदी भी लगा दी है जैसे कि आप लोगों ने देखा। ईद मुबारक फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट डे हो चुका है यानी कि ईद का दिन, और ये आयशा की चीज़ें पड़ी, आयशा को रेडी करना है। सो आयशा बैठी है रेडी होने के लिए। ये लो तुम्हारी ये भी। मेरी है। हाँ। मेरी है ना। ये भी मैं दम्मा करूँ। ओके मॉम, मैं खेलने जाऊँ।